अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस, मैं इस वक्त ऑस्ट्रिया में हूँ और वो एयरपोर्ट पे हूँ। एयरपोर्ट पे मुझे वॉशरूम आना पड़ा, तो मेरे पीछे ये मशीन्स लगी हुई हैं। टिक टैक 1 यूरो, 1 यूरो में आपको टिक टैक मिल सकता है, 1 यूरो में आपको बबल गम दूसरी मिल सकती है, दिस वन इज़ कॉन्डम एंड दीज आर ऑल्सो कॉन्डम्स। सो हिसाब लगाइए कि ये लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये लोग ज़रा ज़्यादा ओपन हैं, इसलिए इसको पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं। तो यूनिक है, इसलिए मैं सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। और मैं ऑस्ट्रिया में क्यों हूँ इस वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा अनकरीब, कि मैं ऑस्ट्रिया में क्यों हूँ। एक्चुअली मैं आया था पोलैंड से, पुर्तगाल से ऑस्ट्रिया में, क्योंकि मैं पुर्तगाल से एग्ज़िट नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं किसी और यूरोपियन कंट्री से एग्ज़िट लूँ। और आपको बताता चलूँ कि मुझे सबसे सस्ती टिकट पुर्तगाल से ऑस्ट्रिया की मिली, एंड यू कैन नॉट बिलीव कि ओनली 15 यूरो, लाइक अराउंड 65 to 70 दरहम। आई पेड ओनली 15 यूरो टू ट्रैवल 3 आवर 50 मिनट फ्लाइट फ्रॉम पुर्तगाल लिस्बन टू ऑस्ट्रिया वियना। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे सस्ती तरीन टिकट थी। इससे पहले मैं सस्ती टिकट में गया था आज़रबैजान अबू धाबी से, जो कि 113 दरहम थी, लेकिन ये टिकट उससे भी चीप है। और नेक्स्ट मेरा प्लान है यहाँ से जॉर्जिया जाने के लिए, और जॉर्जिया से, क्योंकि मैं यहाँ से एग्ज़िट लेना चाहता हूँ यूरोप का, ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ तो मुझे वीज़ा इजीली मिल जाए, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ से अभी दुबई के लिए चीप फ्लाइट्स कोई नहीं है, सब एक्सपेंसिव हैं। तो उसके लिए फिर मुझे मजबूरन यहाँ से पहले जॉर्जिया की फ़्लाइट लेनी पड़ी, और जॉर्जिया से फिर मैं फ़्लाइट लूँगा अबू धाबी के लिए। तो देखते हैं क्या बनता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मुझे मेरे एक ऑस्ट्रियन फ्रेंड ने रेफ़र किया कि ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट फ्री PCR करवाती है, तो उसने ही मेरी बुकिंग भी की और उसने ही सब अरेंजमेंट भी किया। और उसने मुझे बताया कैसे मुझे मेट्रो लेनी है, किस जगह पे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। मेरा एक फुल डे का स्टे था, नेक्स्ट फ़्लाइट मेरी सुबह 6 बजे मॉर्निंग में है, और उस वक्त तक मैं एयरपोर्ट पे, मैं गया था टेस्ट करवा के वापस आया, तकरीबन 8-9 बजे मैं वापस पहुंच गया था एयरपोर्ट, क्योंकि एक तो जगह नहीं है, दूसरा मेरे साथ लगेज है, और तीसरी चीज़ के मुझे रास्तों का अंदाज़ा नहीं था। रशिया में ऐसा मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मुझे आइडिया नहीं था, तो मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं PCR नहीं कर सका था। यहाँ पे खैर मुझे PCR तो नहीं चाहिए, मेरे पास एंटीजन ऑलरेडी है जिस पे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेट नहीं होना चाहता, परदेश है और लगेज के साथ ज़्यादा घूमना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैं वापस आ गया एयरपोर्ट पे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ सुबह की फ़्लाइट के लिए, सुबह 6 बजे फ़्लाइट है इंशाल्लाह, देखते हैं क्या बनता है। और इंशाल्लाह PCR टेस्ट मैंने करवा लिया, लेकिन यहाँ पे PCR डिफरेंट टेस्ट है। यहाँ पे ये लोग आपको एक ट्यूब देते हैं और एक लिक्विड देते हैं, वो लिक्विड आपने लाइक मुंह में रख के उससे गरारे करने होते हैं, गार्गल गार्गल करके, तो आपने वो ट्यूब में डाल के, एक स्ट्रॉ भी साथ में देते हैं, उस स्ट्रॉ के ज़रिए आपने ट्यूब में डालना है और ट्यूब क्लोज़ करके उनको दे देनी है, 24 घंटे बाद उसका रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे PCR टेस्ट ऐसे होता है, तो ये लोग आपके नाक में स्वैब नहीं करते, मतलब वो स्वैब टेस्ट नहीं है लेकिन PCR है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अभी मैंने जॉर्जिया से आगे की टिकट इसीलिए नहीं करवाई, एक तो रिज़ल्ट का कंफर्म नहीं है नंबर वन, और नंबर टू के
मैं जॉर्जिया का जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक टिकट बुक नहीं करना चाह रहा था कि कोई मिसहैप ना हो जाए इन केस। तो बाकी मज़ीद इंशाल्लाह। ऑस्ट्रिया वैसे बहुत अच्छा मुल्क लगा और लोग हेल्पिंग हैं, कोऑपरेटिव हैं, जगह भी अच्छी है। और जहाँ मैं PCR करवाने गया था, मुझे देखकर अजीब लगा कि वो लड़की जो ऑस्ट्रियन लैंग्वेज, यहाँ पे ऑस्ट्रियन और जर्मन लैंग्वेज ये ज़्यादा चलती हैं, लेकिन वो लड़की अरबी जानती थी। उसने मुझे अरबी में बात करने के लिए बोला, तो थैंक गॉड कि मुझे थोड़ी बहुत एटलीस्ट अरबी आती है, जिसकी वजह से मैं कम्युनिकेट कर सका और मेरा वहाँ पे PCR हो गया। खैर, अरबी नहीं भी आती होती तो इंग्लिश का कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाता, कोई ना कोई ट्रांसलेटर मिल जाता, लेकिन अरबी भी यहाँ पे चलती है। और उसके अलावा भी मुझे यहाँ पे अरबी लोग मिले काफ़ी, क्योंकि यहाँ बहुत से इमिग्रेंट्स हैं जो अरबी ममालिक से आए हुए हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट के लिए, देखते हैं कब सुबह 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है। और इस टाइम देखें एयरपोर्ट सुनसान पड़ा हुआ है पूरा, और ये जो काउंटर्स हैं ये सिर्फ यही चीप एयरलाइंस के लिए हैं, मतलब रयान एयर हो गया, एरोफ्लो, उसके अलावा विज एयर हो गया, जो लास्ट के कुछ काउंटर्स हैं वो विज एयर के लिए हैं। तो दूसरा मैं निकला था अभी के कुछ खाने पीने के लिए देखूं, लेकिन मुझे इमिग्रेशन के बाद, मतलब बोर्डिंग पास के बाद जब अंदर जाऊँगा तभी कुछ खाने को शायद मिलेगा। अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी खाने पीने के लिए नज़र नहीं आया, सिवाय वो टिक टैक के, जो कि मैं लेना नहीं चाहता। वैसे तो ले लेनी चाहिए, बहरहाल मुश्किल, इट्स ओके। अभी मैं निकल आया बातों बातों में, तो नेक्स्ट सही इंशाल्लाह, सी यू सून। और दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, अगर आपको लगे कि नॉलेजेबल वीडियो है, किसी दोस्त का भला हो सकता है इससे। आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे भी कुछ खास, मतलब किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है, आप जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगी। तो मैं इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि मेरी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें से मुझे एक बात पता चली कि अल्बानिया के वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने ख़त्म कर दी है और अभी आपको ई वीज़ा लेके अल्बानिया जाना पड़ेगा। मेरा एक फॉलोअर्स, बल्कि 2 फॉलोअर्स हैं जिन्होंने अल्बानिया की टिकट ऑलरेडी बुक कर ली हुई थी, जिसमें से एक की टिकट आज थी, वो कल भी एयरपोर्ट पे गया। मैंने उसे बोला कि आज फिर जा के देखो, ट्राई करो, शायद एंट्री मिल जाए, अगर आदमी कोई और है तो जाने की परमिशन दे दें, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। और दूसरे बंदे ने भी आज कन्फर्म किया कि नया रूल निकला है, अल्बानिया की एंट्री बंद हो चुकी है। तो आप अल्बानिया के लिए अभी ई वीज़ा अप्लाई कीजिए। सी यू गाइस, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, आपका अपना मुनीब इकबाल।